जय माता दी, जय माँ बगला मुखी। पंडित सूरज गुरु शर्मा की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ बगला मुखी का आशीर्वाद आपका सदैव बना रहे। मैं आप सभी से कामना करता हूँ और आप सभी को कुछ उपाय दे देता हूँ कि होली की जो रात्रि होती है उसे दारुण रात्रि कहा जाता है। इस पर विशेष तंत्र का महत्व होता है। तो शत्रु आपको प्रताड़ित करने के लिए या परेशान करने के लिए कोई भी टोना टोटका आपको ऊपर कर सकता है। इसलिए मैं सुरक्षा के लिए आपको कुछ सावधानियां बता देता हूँ क्या करना रहेगा। होली की रात्रि को अपने सर को ढककर रखें, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि आपके सर के ऊपर ही सारी चीज़ों का क्रिया होता है। कहना करता आप तो फोटो के माध्यम से भी लोग क्रिया कर सकते हैं कि आपके सर के ऊपर कोई क्रिया ना हो। इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा कि सर को हमेशा ढक कर रखेंगे उस दिन या उस रात्रि में। आपको या तो रुमाल से ढक सकते हैं या फिर टोपी पहन के आप ढक सकते हैं। दूसरा क्या है कि सफ़ेद खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना है। कहने करते हैं कि तंत्र क्रियाओं में सफ़ेद चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है कि उन सामग्री के माध्यम से किसी व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, किसी को बीमार किया जा सकता है। तो आप सफ़ेद भोजन ना करें उस दिन, सफ़ेद खाद्य पदार्थों से दूर रहें, बचे उनसे। तीसरा उपाय जो ये है कि अपने जेब में क्या करना है आपको, यदि आप शेर सो रहे हैं तो भी या जग रहे हैं पूरे दिन, आज से कि आज पूर्णिमा है तो आज ही आपको उपाय करना है रात्रि में या शाम के समय आपको उपाय करना है। इसमें क्या करना रहेगा कि अपने जेब में काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध कर आपको रखना है। इससे क्या होगा, जो भी काली क्रिया होगी वो उस काले तिल उसको शोषण कर लेगा, जिससे आपके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आपको और भी कुछ उपाय जानने हैं तो विशेष वैसे तो आज ही आप कर लो। होली के दिन मैं विशेष वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि वैसे समय मिल नहीं पाता इन चीज़ों के लिए, तो पूजाएँ में इतने व्यस्त होता हूँ, पूजाएँ इतनी होती है। तो आपको ये उपाय करना है आज के ही रात्रि में, आप ये उपाय कर सकते हैं शाम के समय। जय माता दी, जय माँ बगला मुखी। पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।